विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, इसलिए नेताओं की जुबा पर तलखी पड़ गई है। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नेता सीधे तौर पर हरीश रावत को टारगेट कर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे 2022 का चुनाव भाजपा वर्सेस हरीश रावत नजर आ रहा है। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो दो हाथ। नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें, और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें। कैप्टन और सिर्फ बैट्समैन करके आ गया। अभी बैट्समैन, कैप्टन बैट्समैन हराने के लिए और बैट्समैन कैप्टन हराने के लिए बहुत जिद्दाजिद्दी काम कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही हरीश रावत पर भाजपा के हमले और तेज हो गए हैं। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर संगठन के तमाम बड़े नेताओं ने हरीश रावत को अपने एजेंडे में लिया है और शब्द भेदी बाणों की बौछार कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राजनीति के एक अलग ट्रैक पर चलना शुरू हो गई है, और ये ट्रैक भारतीय जनता पार्टी को उसके केंद्रीय नेताओं ने दिया है। पिछले दिनों अमित शाह जब देहरादून आए तो उनके भाषण का पूरा फोकस हरीश रावत पर था, और वो पूरी तरह से हरीश रावत पर हमलावर थे। इस बात को लेकर के राजनीतिक पंडितों में भी हैरानी थी कि देश का गृह मंत्री केवल हरीश रावत को फोकस क्यों कर रहा है, उस कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहा है जिससे उसको चुनाव लड़ना है, उसकी पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो इसी सब, यही जो पूरी जद्दोजहद चल रही है, इसमें एक तरह से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश ये कर रही है कि ये चुनाव हरीश रावत वर्सेज भाजपा हो जाए और कांग्रेस ना रहे। मगर जानकार बताते हैं कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हरीश रावत अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ जाए। मगर हरक सिंह रावत का मानना है कि हरीश रावत को टारगेट करना ठीक नहीं है, इससे उल्टा हरीश का ही फायदा होगा। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता, जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को। और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तियों व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीसाव, तो ये सिद्धांतों की राजनीति है, भाजपा वर्सेस। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं। सियासी नजरिए से देखें तो अब उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम हरीश रावत नजर आ रहा है। जानकार बताते हैं कि भाजपा में जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो हरीश रावत को रोकना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को लेकर फोकस कर रही है, और वो उसके सभी नेताओं का, केंद्रीय नेताओं से लेकर के प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सभी का हमला पूरी तरह से हरीश रावत पर हो रहा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति पर, इस कूटनीति का क्या अंजाम होने वाला है, उसे कितनी सफलता मिलने वाली है, इसके लिए हमें कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह।